अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार फटे हुए दूध की बर्फ़ी ले आई हूँ। तो फटे हुए दूध की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 टेबलस्पून नारियल का बुरादा और 3 टेबलस्पून लेंगे चीनी, और इसके साथ हम लेंगे बारीक कटे हुए कुछ पिस्ते और बादाम। ये मेरे पास 1 किलो दूध था जो कि मैंने गर्म किया और ये फट गया। अगर आपके पास फटा हुआ दूध नहीं है तो आप 1 किलो दूध को नीम गर्म करें और इसके अंदर शामिल कर दें 1 टेबल स्पून नींबू का रस, या फिर इसमें शामिल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून सिरका। तो इससे आपका फटा हुआ दूध तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक बारीक छलनी लेंगे। आपके पास बारीक छलनी नहीं है तो आप मलमल के कपड़े में भी इसे छान सकते हैं। इस तरीके से हम इसे छानेंगे और इसे 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। ये आप देख सकते हैं इसका सारा पानी निकल गया। अब इस तरीके से हम इसे इसका मज़ीद पानी खुश करेंगे और अब लेंगे एक फ्राई पैन और फ्राई पैन में इसे डालेंगे। तो यही वो फटा हुआ दूध है जिसकी हम बर्फ़ी तैयार करने वाले हैं। अब हम इसे रखेंगे चूल्हे पर और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इस तरीके से इसे प्रेस करते हुए हल्के हल्के इसे पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। हल्के हल्के प्रेस करते रहेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। फटे हुए दूध की बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 पिंच हरी इलायची पिसी हुई ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, और फिर से हम इसी तरीके से प्रेस करते रहेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी। चीनी मैंने ली है 3 टेबलस्पून। फिर से इस तरीके से चम्मच चलाते हुए से मैं पकाती रहूंगी। तो बर्फ़ी हमारी बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाली है। अब चीनी ने पानी छोड़ दिया और हमें इसे मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे। पानी हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना। ये इस तरीके से देखें बहुत ही मज़ेदार हमारी बर्फ़ी होने लगी है तैयार, दानेदार इंशाल्लाह ये बर्फ़ी बनके होगी तैयार। तो इस टाइम हम इसमें शामिल कर देंगे ये नारियल का बुरादा। पानी अब इसका बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ था तो हमने इसमें शामिल कर दिया नारियल का बुरादा, और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमने एक चिकोर बर्तन लिया है और इसमें लगा दिया है ऑयल। अब इसके अंदर ये डाल देंगे फटे हुए दूध की बर्फ़ी और इसके अंदर इसे सेट कर लेंगे। हल्के हल्के इस तरीके से प्रेस करेंगे। साइडों से भी अच्छे से सेटिंग कर लेंगे ताकि हमारी चकोर बर्फी हो जाए तैयार। अब इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ते और बादाम बारीक कटे हुए। इस तरीके से डालकर हम इसे 10 मिनट बाहर ठंडा होने के लिए रखेंगे और 10 मिनट हम इसे रख देंगे फ्रिज में। तो ये बहुत अच्छे से जम जाएगी। ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी दानेदार बर्फ़ी। अब 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार मेरी फटे हुए दूध की बर्फ़ी हो चुकी है तैयार। अभी मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था और फ्रिज में रखने के बाद मज़ीद ये सख्त हो जाएगी। फटे हुए दूध की बर्फ़ी बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार बनके हो चुकी है तैयार। तो आप लोग कमेंट के ज़रिए बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।